एवरीवन, आई एम शेरी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर लहंगे का। एंड ये अमेजोन का वन ऑफ द टॉप रेटेड लहंगा है एंड इसके रिव्यूज बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इस लहंगे के नीचे अमेजोन पे आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसको वेयर करके, इसको स्टिच करा के अपनी पिक्चर्स भी ऐड की हुई है, तो इसके रिव्यूज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इसको लेके रिव्यू करना चाहिए। तो हाँ, मैं भी आपको पूरा लहंगा जूम करके दिखाऊंगी पास से, ताकि आप क्लियरली देख पाए इनकेस आपको खरीदना हो। एंड उसके साथ साथ मैं आपको रिव्यू देती जाऊंगी एंड एंड में मैं आपको लहंगा वेयर करके दिखाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा एक्चुअल लहंगा। ये दिखता है कुछ ऐसा, जो कि लहंगे की एक्चुअल इमेज जो उन्होंने शो की थी उससे बिल्कुल दूर दूर तक कहीं मैच नहीं करती है। इस लहंगे की सबसे अच्छी बात कुछ है तो वो यही है कि लहंगे का जो वर्क हुआ है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा कलरफुल फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी हुई है। अदरवाइज़ मैं इस वाले लहंगे की फैब्रिक की बात करूँ तो ये शाइनी वाला कॉटन कपड़ा है, जो पहनने पे बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगता, बहुत ही चटक लगता है। लाइक शाइनी कॉटन यार आजकल कोई नहीं पहनता। एंड इसके अंदर जो दूसरी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर लाइनिंग है, जैसे कि आपको देख सकते हैं। एंड बात करूँ इसके दुपट्टे की, तो जो इसका दुपट्टा है इसमें बॉर्डर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसका बॉर्डर भी बहुत ही प्यारा फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। पर अगर मैं इसके नेट की बात करूँ तो इसका नेट भी बहुत ही ज़्यादा शाइनी वाला नेट है और ये बहुत ही चीप क्वालिटी का नेट है, जो रियल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा चटक है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बस इसका बॉर्डर अच्छा है। तो ओवरऑल इस लहंगे में सिर्फ इसकी मुझे एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगी, अदरवाइज़ इसका फैब्रिक, इस लहंगे का एंड इसकी दुपट्टे का फैब्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड इसका दुपट्टा जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो हम उसे डिफरेंट तरह से स्टाइल भी नहीं कर सकते। एंड ये क्योंकि सेमी स्टिच लहंगा है तो आप इस पर स्टिच करवाएंगे, किन किन लगवाएंगे एंड अपनी तरह से डिज़ाइन करवाएंगे, तो आप ऑफकोर्स 2,500 इसमें खर्च करेंगे। तो मुझे लगता है यार 5,000 में तो आपको मार्केट में रेडीमेड किन किन वाला लहंगा मिल जाएगा और आपको उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी, कलर, दुपट्टा, तो मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा। मुझे लगता है हमें मार्केट में इससे कहीं ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस में भी केन केन वाले, तो मुझे नहीं लगता कि लेना वर्थ इट होगा।